तो चलिए आइए देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कि एक कंप्यूटर तैयार करने के लिए कितने हार्डवेयर्स लगते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या जरूरी होता है हार्डवेयर पार्ट्स में। तो सबसे पहले इधर देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में। सबसे पहला जो मेन जरूरी भाग है कंप्यूटर हार्डवेयर को बनाने के लिए, यानी एक कंप्यूटर को तैयार करने के लिए, मदरबोर्ड हमारे पास होना चाहिए। तो मदरबोर्ड एक तो पहला भाग हो गया मदरबोर्ड। दूसरी चीज हो गई कि इसके अंदर जो सीपीयू लगता है, सीपीयू क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे एक मदरबोर्ड ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर ये सीपीयू लगा हुआ है, ये सीपीयू है। सीपीयू को हमने बाहर निकाल लिया है। बाकी जो पिने हैं इसकी सीपीयू भी दिख रही होंगी, ये सावधानी पूर्वक निकालते हैं। और जो भी हम सीपीयू इसमें से बाहर निकालेंगे सावधानी से निकालेंगे लगाएंगे, क्योंकि ये पिने टूट जाती हैं, तो यदि मदरबोर्ड नया भी है तो आउट ऑफ वारंटी हो जाता है। तो इसलिए इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे मदरबोर्ड के लिए। मदरबोर्ड के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आते हैं, कितने सेक्शन होते हैं। जैसे कोई मदरबोर्ड होता है तो इसके सेक्शन भी होते हैं। यदि हमारे पास कोई मदरबोर्ड रिपेयर के लिए आता है तो कैसे इसको रिपेयर करेंगे, यदि कोई आता है कहता है कि मदरबोर्ड खराब है तो हम इसको क्या ठीक करेंगे, इसके लिए हम इसके सेक्शनों को सेक्शन में बांट देते हैं कि बायोस सेक्शन क्या है, आईओ कंट्रोलिंग सेक्शन क्या है, सीपीयू सेक्शन क्या है, मेमोरी सेक्शन क्या है, ऑडियो सेक्शन क्या है। सेक्शन वाइज जब हम बांट देते हैं तो मदरबोर्ड को रिपेयर करना काफी आसान हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं कि मदरबोर्ड सीपीयू के अलावा हमें और क्या चाहिए। इसके बाद हार्ड डिस्क चाहिए हमें। देखिए हार्ड डिस्क आपको दिख रही होंगी, हार्ड डिस्क में दो तरीके की हार्ड डिस्क आती हैं, साटा और आईडी। साटा में हम किस स्पेस की हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रैम। रैम हमें जितनी कितने जीबी की चाहिए या कितनी एमबी की चाहिए, अपने जरूरत के हिसाब से हम रैम का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद सीडी रोम या डीवीडी राइटर या डीवीडी रोम जो हमें चाहिए होता है वो ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा इन सबको पावर देने के लिए एसएमपीएस। जैसा कि एसएमपीएस आपको दिख रहा होगा, ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इससे पूरे कंप्यूटर को, यानी ये जो पिन दिख रही है एटीएक्स, मेन पावर सप्लाई है जो मदरबोर्ड में दी जाती है। और बाकी की जो ये पिनें दिख रही हैं, ये जो आपको चार पिन का पोर्ट दिख रहा है, ये मदरबोर्ड की सीपीयू को पावर सप्लाई देने के लिए लगाया जाता है। और ये जो बाकी की दिख रही है ये आईडी सप्लाई के लिए है और ये साटा पावर सप्लाई के लिए है। और आगे देखते हैं इन सब चीजों को हम कैबिनेट में कैसे इंस्टॉल करते हैं। इनको पैक करने के लिए हमारे पास कैबिनेट होना चाहिए। ये देखिए ये कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर हम सारे जो सिस्टम मदरबोर्ड्स हैं, मदरबोर्ड को हम, ये देखिए स्टैंड यहां लगा हुआ है, ये लॉक लगे हुए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। इसके ऊपर इनको आगे पीछे जहां पे भी मदरबोर्ड के होल्स आ रहे हैं इनको सेट कर लेते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड के इसके ऊपर पैक कर देंगे। एसएमपीएस की ये जगह है, ये जो जगह दिख रही है ये एसएमपीएस की है। यहां पे हम एसएमपीएस को कस देते हैं। और यहां जो सामने देखिए ये जो लॉक दिख रहा है इसको निकाल के हम यहाँ पे डीवीडी राइटर लगा देते हैं। और नीचे जो ये दिख रहा है यहां पे हम हार्ड डिस्क कहीं भी कस सकते हैं। एक हार्ड डिस्क लगाना चाहें, दो हार्ड डिस्क लगाना चाहें, आराम से लगा सकते हैं। बाकी जो ये केबलें दिख रही हैं, ये फ्रंट यूएसबी के लिए है, फ्रंट ऑडियो के लिए है, यानी ये फ्रंट पैनल के कनेक्शंस हैं। कनेक्शन में जैसे आपको दिख रहा होगा ये यूएसबी पोर्ट्स हैं। यूएसबी पोर्ट के लिए केबल है, जो उस केबल को हम मदरबोर्ड में लगाएंगे। वैसे ही ऑडियो, जो ये ऑडियो आउटपुट और माइक के लिए जो पिन दी हुई है, ऑडियो केबल अंदर है उसको हम लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से पावर ऑन ऑफ के लिए, रीसेट के लिए जो है, और जो बाकी की एलईडियां दिख रही हैं आपको, एचडीडी एलईडी या पावर एलईडी, उसके कनेक्शन को हम ये मदरबोर्ड में कैसे सेट करेंगे, ये असेंबलिंग के अंदर हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे इन सब चीजों को सेट कर सकते हैं।